बहुत सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, मैं सही नहीं हूँ शायद, या आप लोग शायद मुझसे सहमत नहीं भी हों, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं हो, आपकी सोच आपके सोच हाँ साथ, मेरी बिल्कुल मेरे सही, साथ, किसी ने किसी को कसम नहीं दी है घोड़े पालने की। बिल्कुल आपको किसी ने कसम दे रखी नहीं थी कि दे अगर रखी। मोहित जी आपने घोड़े नहीं पाले तो आप बर्बाद हो जाओगे? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे को दे रखी, नहीं ना ये बिल्कुल जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी को दे रखी। बिल्कुल। तो जब आपको कसम नहीं, खिलाड़ी है या फिर नया जो भी स्टेट के लिए अपना एंट्री करता है, वो धीरे से आपको ये नहीं पूछता है कि भाई इसमें फायदा कितना है। जैसे सबके अलग है, ओके आपके लिए फायदा कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी के बिल्कुल। लिए। हेलो दोस्तों, तो आई थिंक कैमरा ऑन होते ही आपको सामने रिनाउंड ब्रीडर भी दिख गए हैं। तो अब पहले मैं इंट्रोडक्शन से चालू करता हूँ। आज हम मिल रहे हैं शांतनु बना से, और इसके लिए मैं आया हूँ रावला खेमपुर, जो घोड़ों का घर है और जहाँ पर अच्छी प्रोजेनी और अच्छे जो रिनाउंड ब्रीडर हैं जो यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हैं कई सालों से, और अच्छे अच्छे बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अपने जो इंडियन हॉर्स मार्केट है उसके लिए अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं। तो अब हम शांतनु बना से मिलते हैं और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते शांतनु बना, कैसे हैं? सर फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस सब मज़े हैं शांतनु बना। सर शांतनु बना मज़े ही सब होने चाहिए। बस मज़े ही हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आजकल जैसे मैंने खुद भी अभी स्टेबल लगाया है और स्टेबल चालू किया है। पता पड़ा मुझे। बिल्कुल। तो अभी क्या एक क्वेश्चन हल्का सा सबके दिमाग में कसक सा रहता है कि नए नए जैसे ब्रीडर आ रहे हैं, चलो उनको ब्रीडर नहीं बोलेंगे, जो नए स्टेबल या स्टड चालू कर रहे हैं, वो धीरे से एक बात पूछते हैं। ये इंडिया में है, बाकी बाहर आपको ब्रीडर कहलाने के लिए बहुत साल लगाने पड़ते हैं, है बिल्कुल सही है। ना? तो ब्रीडर बनना, आप एक घोड़ी लाए, आपने किसी घोड़े से कवर करा दी भेड़ चाल के चक्कर में या किसी भी इन्फ्लुएंस में आके, चलो अच्छा घोड़ा है। अब अगर आपने एक बच्चा पैदा कर लिया जो अच्छा है भी शायद या नहीं भी नहीं है, भी है। और आप उस एक बच्चे को पैदा करके आप कहते हैं कि यू आर अ ब्रीडर, देन आप खुद को अंधेरे में रख रहे हो। बिल्कुल क्योंकि ब्रीडर एक बच्चे को पैदा करना नहीं होता, ब्रीडर वो होता है जो एक सब स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर टाइप फिक्स करता है अपनी ब्रीडिंग में। उसका एक इमेजिनेशन होता है कि मुझे इस पैटर्न का एनिमल ब्रीड करना है, फिर उसको एक वो, और किसी भी जानवर का, अपन घोड़े की बात नहीं कर रहे, गाय, कोई डॉग ब्रीडर्स हैं, कोई बाकी जानवरों में है जो गोट फार्मिंग करते हैं, जो गोट ब्रीडिंग करते हैं, हर ब्रीडर की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल कि जब आप ब्रीडर होते हो, जब आप एक दावा करते हो कि मैं एक ब्रीडर हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको किस पैटर्न की ब्रीडिंग करनी है। ओके जिस पैटर्न की ब्रीडिंग करनी है उसके लिए आपको कौन से स्पेसिमेन चाहिएंगे, कौन से जानवर चाहिएंगे, कौन से एनिमल चाहिएंगे जो आपको उसमें आगे हेल्प करेंगे, किस टाइप के जानवर चाहिएंगे, ओके उसके आगे आपको आपका एक सब स्टैंडर्ड क्या है, आपका विजन क्या है, आपको किस तरीके की एनाटॉमी चाहिए, किस तरीके का आपको फिनोटाइप चाहिए, कैसा दिखने वाला होना चाहिए। ओके फॉरेन में क्या होता है कि कुछ सालों बाद जब आप एक अरसे से या फिर आप एक डिकेड से ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, फिर आप आगे जाके वो आपके घर की लाइन कहलाती है, जैसे खेमपुर लाइन हो गई या फिर आपका जो स्टेबल है आपके स्टेबल के नाम से वो लाइन आगे कंटिन्यू होती है। तो जब कोई आपसे कहे कि यार मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी खेमपुर लाइन से या किसी और दूसरी किसी लाइन से हमने घोड़ा खरीदा, जब आपको बोलते हैं ना हमने उस लाइन से घोड़ा खरीदा है, तो माँ बाप कौन है उस घोड़े के, वो बात का सवाल होता है, उनके दिमाग में एक फोटो आ जाती है कि यार इन्होंने वहाँ से घोड़ा लिया है तो उस टाइप का होगा, उसका मुंह ऐसा होगा, गर्दन ऐसी होगी, टाइप ऐसा होगा, पैरों का ऐसा होगा। आप एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हो आपके स्टेबल का कि भाई हम यहाँ पे स्टड फार्म में इस इस पर पर्टिकुलर टाइप के बिल्कुल घोड़े ब्रीड करते ब्रीड हैं, कर रहे हैं। और जब आप उस पैरामीटर पर पहुँचते हो तब कहीं जाके आप एक ब्रीडर कहलाते हो। फिर उसमें आपका रेशियो कितना बैठता है उसके कैलकुलेशन पे आप एक सक्सेसफुल उसे ब्रीडर सक्सेसफुल कहलाते हो। ब्रीडर कहलाते हैं। तो ये तो हो गई एक ब्रीडर की स्टोरी। तो यही जो ब्रीडर है, जैसे कोई नया आता है, जैसे कोई भी नया खिलाड़ी है या फिर नया जो भी स्टेट के लिए अपना एंट्री करता है, वो धीरे से आपको ये नहीं पूछता है कि भाई इसमें फ़ायदा कितना है। जैसे कोई सा भी बिजनेस है देखो, तो फायदे और नुकसान का ना, फायदे और नुकसान के मापदंड सबके अलग है। ओके आपके लिए फायदा कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी के बिल्कुल लिए कुछ और। किसी का फायदा यह है कि 2 लाख की घोड़ी लाके 50,000, 1 लाख का घोड़ा कवर करा के 7 लाख की बेच के, वो फायदा है। ओके किसी के लिए ऐसा है कि यार बहुत महंगी घोड़ी खरीद के उस घोड़ी से एक बच्चा पैदा करके, और चाहे उस बच्चे की कितनी भी पैसे लगे, उसे नहीं बेच के घर पे उसे बड़ा होते देखने की खुशी, वो फायदा है। ओके किसी के लिए घोड़ा लाते ही अगले दिन थोड़ा से पैसे ऐड करके बेच देना फायदा। और इसमें से कोई गलत नहीं है, मतलब आप एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, सबकी अपनी डेमोक्रेसी है अपने पास, जो चाहे करे। ओके आप किसी जानवर को या किसी एनिमल को या किसी पशु को अगर आप पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं और आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं गलत तरीकों से, तो गलत कुछ गलत नहीं कुछ है। नहीं है।
आप आज 1 लाख में लगे, कल सुबह 2 लाख में बेचो तो आपकी चीज़ है। आपका फायदा, आपकी चीज़ है। आप 2 लाख के लाके 10 लाख की बेचो, आप उस पर अच्छा घोड़ा कवर करा के अच्छा बच्चा लो। बिल्कुल राइट। तो फायदा और नुकसान के सबके अपने मेजरमेंट है। फिर भी मन में हल्की सी कसर रहती होगी। मेरा फायदा ये है कि मेरा इस घोड़े से बहुत बहुत पुराना लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि हमारे परिवारों में हमेशा से घोड़े रहे। ओके। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर आर डीपली इन्वॉल्व्ड, उनको घोड़ों से बहुत अफेक्शन है, बहुत प्रेम है, बिल्कुल सेवा का भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। हैग्रीव है, बिल्कुल हमारे पास एक घोड़ा है। बिल्कुल। तो हैग्रीव हमारे यहाँ पैदा हुआ। ओके। और हैग्रीव की माँ मेरे ग्रैंडफादर लेके आए थे पठान साहब से, जो एक बहुत उस जमाने के रिनोन्ड अच्छे ब्रीडर थे और काफी समझ थी घोड़ों, उनके वहां से लेके आए थे। ओके। तो एलिजा को लाने के पीछे मेरे ग्रैंडफादर का ये विजन था कि एलिजा की माँ को वो बहुत एक्सट्रीम अच्छी घोड़ी मानते हैं, जिसका नाम था परी। ओके। बहुत कम जनों ने शायद उसे देखी होगी, और जिन लोगों ने देखी है, राजा भूपत, जोत सिंह जी नारलैया, और जो पुराने अच्छे ब्रीडर थे, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ब्रीड में, उन सब की नजरों में वो एक बेंचमार्क थी कि घोड़ी कैसी हो, परी जैसी हो, है ना। तो मेरे ग्रैंडफादर का सेम विजन था, उनको बहुत अच्छी लगती थी वो घोड़ी, उसी की वजह से वो उसकी बेटी लेके आए एलिजा। एलिजा से हैग्री हुआ। तो परी अपने जब आखिरी दिनों में थी, तो उसके छूटने से कुछ टाइम पहले ही पठान साहब ने कहा कि अभी मेरे यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि वो शहर में रहते थे और उनका थोड़ा स्टड फार्म थोड़ा कंजेस्टेड था, तो पठान साहब और मेरे ग्रैंडफादर के बीच में अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि परी अपने लास्ट दिनों में खेमपुर में, और मेरे ग्रैंडफादर का मन था उसकी सेवा करने का। तो आप देखो, मैं आपको ये क्योंकि मेरे परिवार और परी के परिवार की कहानी है, आप समझिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो परी लास्ट दिनों में खेमपुर आ गई, 16, 17 या 20 दिन रही होगी हमारे पास। ओके। मेरे ग्रैंडफादर जानते थे कि ये घोड़ी आएगी छूटेगी, पर उनका सिर्फ क्या होता है, देखो आज के ज़माने में ना, आप आपके घर पे कुछ भी चीज़ लाते हो ना, तो आप देखते हो अरे मैं क्यों ला रहा हूँ। ओके। स्वार्थ क्या है, क्या फ़ायदा होगा, अच्छा ये क्या होगा इससे, मतलब एक वो अपने यहाँ पे कहावत है कि आप कि मतलब एक वो सेइंग है ना कि अगर फ्री में हाथी मिलता है तो बांध थोड़ी लेते हैं उसे। बिल्कुल सही है। हाथी भी कुछ खाता है, हाथी भी कुछ खाता है क्या। बिल्कुल। तो मेरे ग्रैंडफादर का सिर्फ ये विजन था कि आज मैंने, आज वो प्रेम था कि परी जैसी घोड़ी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी, और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं मेरे जीवन में उस घोड़ी के बुढ़ापे में उसकी थोड़ी सी सेवा कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। सेवा भाव से वो उसे लाए, 16-17 दिन वो रही, और मेरे ग्रैंडफादर उसे दूध पिलाते खुद के हाथ से, उसे दिन में 10-20 बार जाके देखते, सोने से पहले उसे देख के अपने कमरे में पता, बिल्कुल के बाद परी के स्टेबल में जाते। बिल्कुल बिल्कुल। 20 दिन वो रही, तो मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी के अच्छे 20 दिन तक, जहाँ पे मैंने गोल्डन डेज कह सकते हैं, मैंने एक ऐसी घोड़ी के दर्शन किए जो आज भी नहीं देखने को। बिल्कुल। मेरे ग्रैंडफादर 80 साल के हैं और काफी ब्लंट है, क्योंकि अब एक आप एक उम्र के बाद फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ता ना कि लोग क्या सोच रहे हैं, आपको जो मन में लगता है आप कह देते हो। इंसान को वैसा ही होना चाहिए, अगर आप किसी को बुरा ना फील करा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी ये बात कहते हैं कि भाई मैंने परी जैसी ना देखी थी, ना देखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घोड़ियां होनी भी नहीं। तो कहते हैं मेरी जिंदगी के मैंने 15-20 दिन बहुत खुशी से जी, जहाँ मुझे उसकी सेवा करने का मौका मिला, और एक दिन फिर वो यहीं छूट गए, और आज हमारे इस गांव की धरती में फिर उसे दफनाया गया है ना। तो ठीक है, वो चैप्टर वहां क्लोज हो गया। फिर एलिजा थी उसकी बेटी हमारे पास, उसने हमें बच्चे दिए, हैग्रीव। आप सोचो, 4 बार बिका इस घर से। ओके। फोर टाइम यहाँ पैदा हुआ, यहाँ से सवाई सिंह जी रणसी गांव के पास गए, ठीक है, उनके यहाँ पे काफी अच्छा ब्रीड किया, उनके वहां से फिर से यहाँ आया, फिर यहाँ से केलवा के पास एक गांव में गया, फिर वहां से यहाँ आया, फिर वहां से एक हमारे यहाँ पे एक शामू जी खटीक करके, ओके, उनके वहां गया, फिर वहां से वापिस यहाँ पे आया, यहाँ से डुंडलोत गया बोनी बना के पास, फिर वापिस वहां से यहाँ आया, वापिस घर पे आ गया वो। तो और जब ये आया तो कुछ इसके प्रीवियस हिस्ट्री थोड़ी इस घोड़े की सही नहीं रही है, मेडिकल हिस्ट्री। ओके। उस कारणवश इस घोड़े की ब्रीडिंग में बहुत इशू था। अच्छा। ही वाज नॉट ब्रीडिंग। ओके। घोड़ियां कंसीव नहीं हो रही थी, भैया ब्रीड नहीं कर रहा था। तो मेरे ग्रैंडफादर ने फिर से, अब जो उस समय जो एक वो मन था कि परी की सेवा करनी है, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि मेरा ब्रीड किया हुआ घोड़ा है, मेरे को परी की बहुत झलक है इस घोड़े में, मेरे को इसको फिर से आया तो मैं इसको अब जिंदगी में नहीं देना चाहता, मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करी, तैयार करा। ओके। मेहसाणा में गया, इसने कैसा प्रेजेंट किया, बिल्कुल जोरदार प्रेजेंटेशन दिया। उसके आगे
अभी इसने मेरे घर पे दो बच्चे दिए, तो मेरे ग्रैंडफादर एक मतलब बहुत खुश हैं अभी जो इसने बच्चे दिए, और आगे आने वाले समय में दोनों भाइयों को दुनिया देखेगी और वो हैग्रीव बताएगा कि इसके अंदर क्या खून है बिल्कुल जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। एक बेटी है, दो बेटियां हैं, दो बेटे हैं हैग्रीव के, और अभी तीन चार मेरी टॉप घोड़ियाँ प्रेग्नेंट हैं। ओके तो आप देखिए, मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो 20 साल पहले परी की सेवा करी थी ना, ये आज जो बच्चे हैं ये उसका रिजल्ट रिजल्ट है। तो मेरे लिए ये सक्सेस सक्सेस है बिल्कुल। तो सक्सेस के पैरामीटर सबके लिए अलग 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 हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल मेरे लिए हो सकता है कि हैग्रीव को फिर से लाके तैयार करके भेज देना सक्सेस हो सकता है, पर मेरा डेफिनेशन अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मुझे ये है कि पूछता है कि सक्सेस क्या है, तो मैं कहता हूँ कि सक्सेस की हर एक की डेफिनेशन अलग है। कैसे बता सकता हूँ कि इसमें सक्सेस है, बिल्कुल बिल्कुल, ना फायदा है नुकसान है, वो आप प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा आपको। ये है मुझे। तो सर जैसे अगर बात करें, जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि आप जैसे आपको कोई पूछता है कमर्शियली फायदा है नुकसान है, तो कोई अगर नया अगर स्टार्ट ओपन करता है तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि ये 5 से 10 रूल मैक्स से मैक्स उसको फॉलो करने चाहिए कि भाई आप इस अगर प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। देखिए मैं बताऊँ कि अभी एक इंटरेस्टिंग एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बहुत कमाल की लाइन थी, जो लाइन मुझे मेरे गुरु ने भी एक बार कही थी कि जब आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं ना, ओके, तो उसके लिए आप 7 बार खुद से सवाल पूछे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैं अगर मैं घोड़े रख रहा हूँ तो मैं खुद से सवाल करूँगा कि मैं क्यों घोड़े रख रहा हूँ, फिर मैं उसका एक उत्तर मिलेगा मुझे, फिर मैं उस उत्तर पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा कि ये मैं ऐसा क्यों सोचा। जैसे कोई मुझसे पूछा घोड़ा क्यों पाल रहे हो, बोलूँगा मुझे पसंद है, फिर आप पूछोगे कि आपको क्यों पसंद है, फिर उसका है। तो आप खुद से 7 बार कुछ भी काम करने से पहले खुद से सवाल पूछो, अगर आप 4 सवाल पार कर गए तो मतलब आप सच में हो काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाए तो शायद आप दुनिया को देख के वो काम कर। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा डीप है पर हाँ, पर वो जो अगर के लिए समझना जरूरी है ना, ये होगी पहली चीज। आप जो भी करो जिंदगी में, आप एक घोड़ा पालो, आप 10 पालो, आप 20 का स्टड फार्म डालो, आप इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडर बन जाओ, ब्रीडर बन जाओ, आपका जब तक इमोशनल कनेक्शन नहीं है आप जो भी कर रहे हो यू विल नेवर बी सक्सेसफुल, कभी भी नहीं हो सकते हो। बिल्कुल। तो जो आप 10 रूल की बात कर रहे हैं उसके अंदर मैं सबसे पहले, और अब आ जाओ मतलब जो प्रोफेशनल फार्म्स होते हैं उनके उस क्राइटेरिया पे, तो मैं मानता हूँ कि एज अ ब्रीडर आपको सबसे पहले अगर आप नया फार्म डालना चाहते हो, आपको 10 रूल अगर आपको चाहिए, तो पहला तो मैंने आपको कहा कि आप खुद से जानिए क्यों करना क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरा आपका कितना जुड़ाव है इस नस्ल से या फिर इस घोड़े से या फिर इस देवरूपी जीव से। तीसरा ये होता है इसके अंदर के आपका इंटेंशन क्या है। बिल्कुल है ना। अगर आप आपका क्या विजन है इसको लेके। बिल्कुल। देखिए आज का टाइम ऐसा है मोहित जी के, टाइम आजकल पैसे से महंगा है। बिल्कुल, पैसे से बहुत महंगा है समय आपका। तो अगर आप कुछ भी चीज करते हो, अगर आप मैं उसमें अगर आपका टाइम एनर्जी मनी आपका बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कितनी बार आप नहीं होते हुए भी आप एक बैड एग्जांपल बन जाते हो सोसाइटी के सामने कि नहीं यार वो तो घोड़े पाल रहा है इसलिए बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। समझ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ चीज मैं ये कहूँगा, चौथी चीज इसके अंदर ये होगी कि आपका जब अगर आप इसे पैशन के तौर पे कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पैशन आपकी लाइबिलिटी नहीं बनना चाहिए। जैसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल किसी को गोल्फ खेलने का शौक है, ओके, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को घोड़े पालने का शौक है, आपका शौक क्योंकि आप एक सामाजिक जीव हो तो आपके घर में आपके साथ आपके लोग रहते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आप किसी के बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स घर में होंगे, तो आपका शौक आपके घर वालों के लिए आपके अपनों के लिए परेशानी नहीं बढ़ना चाहिए। योर पैशन शुड नेवर बी योर लाइबिलिटी। आप घोड़ों से ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं तो आप घोड़े से पैसा ना कमाएं, ठीक है वो आपका मन है, पर आप कोशिश ये करें कि आप आपका शौक आपके शौक की इनकम से करें। जब आप कोई भी शौक रखते हो और जब वो शौक आपकी जेब से चल रहा होता है तो हो सकता है लाइफ में कैसा दिन आए जब जेब ये बोले कि या मुझे रख लो या शौक रख लो। तो वो हो गई चौथी चीज। पांचवी चीज ये होती है आप जो भी काम करें आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। बिल्कुल। मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाया था, मेरे एक फ्रेंड है आउट ऑफ इंडिया की ब्रीडर, वो मुझे कहते हैं कि तुम कैसे घोड़े की कीमत डिसाइड करते हो, तो
मैंने बोला कि देखो इट इज़ ऑल अबाउट सामने वाला उसे किस नज़र से देख रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन उसकी एक्सपेक्टेशन मिल रही है नहीं। बिल्कुल। तो उसने एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिया था मुझे कि आप किसी रैंडम डे आए पे सोचो कि मैं 12 घंटे के लिए घोड़ा बिका हुआ है, 12 घंटे में इसकी एक्स कीमत है जो भी, अगर उन 12 घंटों में उस कीमत में नहीं बिका तो घोड़ा उस कीमत का है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। आपको सही वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ आपके घर में है, जिस भी तरीके का आप काम करो, मैं हॉर्स ब्रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल किसी भी नए स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, यू मस्ट नो द वैल्यू। बिल्कुल। सिक्स्थ इज कि आप जो भी काम आप कर रहे हैं, आप जो भी जिसमें भी आप आपका इमोशनल मेंटल या फिजिकल या फिर आपके फाइनेंशियल एनर्जीज डाल रहे हैं, यू मस्ट नो अबाउट। बिल्कुल, आप उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मेरे मेंटोर है बहुत, जैसे मेरे ग्रैंडफादर हैं या फिर अनंत सिंह जी केलवा हैं, और जो भी रेस्पेक्टेड बड़े ब्रीडर्स हैं, सवाई सिंह जी रणसीगांव हो गए या गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाणा हो गए, और भी कई हैं अपने राजस्थान के अंदर जो पुराने घर हैं, इन लोगों के इस फील्ड में सक्सेस के पीछे रीज़न ये कि इनको मालूम है कि ये क्या है। बिल्कुल राइट। घोड़ा क्या है, घोड़ा क्या चीज़ है, है ना। बिल्कुल। हो सकता है कि मेरी चॉइस अलग हो सकती है, मेरे को मेरे घर पे हैग्रीव पसंद है, आपको हो सकता है पिनाक पसंद हो, अपनी चॉइस डिफरेंस हो सकती है। बिल्कुल। पर अपन को ओवरऑल पता होना चाहिए है क्या, क्या, क्या ये सब्जेक्ट क्या है। बिल्कुल। सब्जेक्ट क्या है, आप जिस क्रिएचर की या फिर आप जिस एनिमल की ब्रीडिंग कर रहे हो, आप क्या विजन से कर रहे हो, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी जीनियोलॉजी क्या है, ब्लड लाइंस क्या होती है, जीन्स क्या होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपने समझ लिया कि ये क्या है, उसके बाद आपका एक राइट मेंटोर होना बहुत जरूरी है। सही, देखो सही। दुनिया में ऐसा कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिना, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है पर उसका भी एक कोच है। 100% सही बात है। बिल्कुल। आपका निर्देशक होना बहुत जरूरी है। कोई सक्सेसफुल इंसान ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने किसी से सीखा नहीं, मैं तो खुद ही से सीखा। खुद से सीख गया, वो गलत। देखो दो तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं घोड़ों में जो पीढ़ियों से घोड़े पाल रहे हैं, राइट। तो या तो आप भी आज से शुरू करो और आपके सातवीं पीढ़ी को कहना कि तुम जब सीख जाओ तो फिर घोड़े पालो, घोड़े पाल लो, या जो ऑलरेडी सात पीढ़ी से पाल रहे हैं आप उन पे भरोसा कर लो या उनको अपना मेंटर समझ लो, है ना। बिल्कुल। तो दुनिया में गुरु तो सबको चाहिए होता है, उन्हीं को फॉलो करेंगे आप। मिल जाता है किन्हीं को, पड़ोस में मिल जाता है किन्हीं को, किसी के थ्रू मिलता है, पर ऑलवेज हैव अ मेंटर। बिल्कुल। क्योंकि आपका विजन और आपके मेंटोर का एक्सपीरियंस जब साथ जुड़ता है ना, तो कुछ बहुत फ्रूटफुल चीज निकल के आती। सही है, ये हो गया। उसके बाद आगे जो दो तीन चीजें वो ये है कि अब चलो ये अब अपन इससे और एक स्टेज नीचे आ जाते हैं, वो अपन आ जाते हैं कमर्शियल ब्रीडिंग फार्म के अंदर। तो यू मस्ट ऑलवेज हैव अ वेरी 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 आउटस्टैंडिंग स्टैलियन, एक स्टेबल इनकम्प्लीट। अगर आपके घर में आपके घोड़ियों से आपका घोड़ा कमजोर है, देन यू आर नॉट इन टू राइट राइट। क्योंकि क्या होता है कि मेरे को घोड़ा नहीं बेचना, आपको अगर घोड़ा बेचना है किसी तीसरे वाले को नहीं बेचना, ये इंडिविजुअल चॉइस है। हो सकता है मेरे को आज घोड़ा नहीं बेचना, कल बेचना पड़ता है, हो सकता है आपको आज बेचना है कल नहीं बेचना। तो आपको एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी रखना पड़ता है कि अगर इनकेस ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे ये घोड़ा देना पड़ जाए, इसको लेगा कौन। बिल्कुल। उसके लिए यू मस्ट हैव द राइट फेस ऑफ योर स्टेबल, एंड दैट इज द स्टैलियन। स्टैलियन होना चाहिए। आज मेरे पास टॉप की घोड़ियां हैं, मैं मानता हूं आपके पास टॉप की घोड़ियां हैं, आप मानते हो, दुनिया आपको मानती है आपके स्टैलियन से। बिल्कुल। क्योंकि वो चेहरा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज ये भी है कि अगर मेरे पास 11 घोड़ी तो मैं उन 11 घोड़ी के लिए एक एक घोड़ा तो नहीं ले सकता हूं कि 11 घोड़ियां 11 घोड़े जोड़े हैं इनके, ऐसा तो नहीं कर सकते। हां ऐसा नहीं है। आप कम क्वांटिटी में स्टैलियन रखोगे, भाई 11 घोड़ी तो मेरे पास 4 स्टैलियन के 3 रखे, तो जो चीज आपके पास कम है और जिससे मास अट्रैक्ट हो रहा है, आज एक घोड़ी को आप साल का एक घोड़ा ही दोगे, पर एक घोड़े को आप साल के 100 घोड़ी भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, 15 भी दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। If he is catering to the maximum number of other mares, then he must be close to perfection. Perfect तो देखो आप नहीं कर सकते, but he must be close to perfection. हाँ उसके पास तो जा ही सकते हो आप। आप 100 में से 100 नहीं ला सकते, 95 अबाउट तो ला सकते हो ना। बिल्कुल सही। तो ये हो गया commercial aspect. Second of all, have the supreme quality mares. Supreme. मैं आपको आज कह रहा हूँ, आज बहुत सारे ऐसे घोड़े हैं, दिलबाग है, रुद्राक्ष है, बहुत सारे, काला कांटा है, आलीशान हो गया, सप्ताश, बहुत ऐसे घोड़े हैं जिनके अंदर बहुत सुप्रीम खून है। ओके बिल्कुल। वो बिलो एवरेज घोड़ियों पे भी बहुत अच्छे बच्चे निकाले, पर वो जो बिलो एवरेज घोड़ियों के बच्चे हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे आगे।
बिल्कुल वो कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं करने वाले आगे। करेगा। जिन घोड़ा हो या घोड़ी हो, अगर उसकी टेल लाइन, अगर उसकी मैटरनल साइड स्ट्रांग नहीं है तो वो जीरो है। जीरो है। अच्छा मैं आपको इसका एक इमोशनल और इसका एक अपन को थोड़ा एक क्योंकि अपन सब देखो अपन सब इंसान है तो एक ह्यूमैनिटी सब में होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। उसका मैं आपको बात मेरे ग्रैंडफादर एक कमाल की बात बोलते हैं कि वो कहते हैं कि देखो आज तुमने एक घोड़ी पे घोड़ा कवर कराया, कल को वो घोड़ा अच्छा नहीं बना, वो पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएगा, तो जहां जहां वो ठोकर खाएगा उसका पाप तुम्हारे सर है, वो जब तक वो घोड़ा है। बिल्कुल। उस घोड़ी ने तो नहीं कहा ये घोड़ा लाके छोड़ो। हाँ, बिल्कुल उसने नहीं कहा। आपने आपकी लालच से ब्रीड किया, वो सक्सेसफुल नहीं निकला, आपने उसे दे दिया, वो पूरी जिंदगी बेचारा आपके गलत डिसीजन से एक जीव इस दुनिया में आया और ठोकरे खाते फिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये कोई सेंस नहीं बनता है, ये आपको अच्छा, अधिकार एक भी और नहीं है। ब्रीडिंग में मैं ये बात करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि आप वर्स्ट सोच के ब्रीड करो, आप नए हो तो आप वर्स्ट सोच के ब्रीड करो, आप फेल होने के चांस कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपका 12th का एग्जाम होता है ना तो जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स है आप उनको ज्यादा याद करो, क्योंकि अगर वो आ गए तो भी आप फेल एटलीस्ट नहीं होगी अगर आपको उनके बारे में पता है। तो ब्रीडिंग में आप हमेशा ये सोच के ब्रीडिंग करो कि मेरे तो बछेरा ही होगा। बिल्कुल। बछेरी हो गई तो किस्मत किस्मत है। बिल्कुल। हाँ प्रोबेबली यही सोचो आप, बच्चे यही सोचो आप कभी भी किसी भी घोड़ी पे घोड़े चढ़ो आप तो मान के चलो मेरे तो बच्चेरा ही होगा। तो अगर आप ये सोच के ब्रीडिंग करोगे तो आप जब आप थोड़ा डर थोड़ा भय या फिर एक थोड़ा थोड़ा कंसर्न होके ब्रीडिंग करोगे ना तो आप गलत जाने के चांस कम चांस कम रहेंगे। बिल्कुल सही। हाँ क्योंकि आप पहले से तैयार हो। मैं आज बहुत सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ मैं सही नहीं हूँ शायद, या आप लोग शायद मुझसे सहमत नहीं भी हो, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं हो आपकी सोच आपके साथ मेरी मेरे साथ, किसी ने किसी को कसम नहीं दी है घोड़े पालने की। बिल्कुल। आपको किसी ने कसम दे रखी है अगर मोहित जी आपने घोड़े नहीं पाले तो आप बर्बाद हो जाओगे। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, मेरे को दे रखी नहीं, ना ये जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी को दे रखी। बिल्कुल। तो जब आपको कसम नहीं दी है किसी ने घोड़ा पालने की, और या और दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि जो लोग घोड़े में वही पैसा कमा रहे हैं जो लोग घोड़े में नहीं पैसा नहीं कमा रहे। नहीं नहीं सभी कमा रहे हैं। जब पैसे कमाने के 100 अलग तरीके और घोड़ा पालने के आपको कसम नहीं दे रखी और ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको घोड़ा बांधना ही बांधना है, तो फिर बेसिक है कि आपका शौक है। बिल्कुल। अगर आपका शौक है तो आप शौक में आप आपके जिस चीज का प्रेम करते हैं उसके लिए आप कभी गलत सोचेंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब आप कुछ अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर सकते या अगर आप ढंग का प्रोड्यूस नहीं कर सकते और अगर आप सिर्फ एक ऐसे बच्चे पैदा कर करके आपके लालच और सोच से आप पैदा कर रहे हो और जो भी दुनिया में ठोकरे खा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप मत करो मत करो। आपको घोड़े का शौक है किसी अच्छे स्टेबल में जाओ, दिन में 2 घंटे घोड़े देखो, यूट्यूब के साथ चैनल है, आप जाइए घोड़े देखिए, आप राइडिंग क्लब्स ज्वाइन करिए, राइडिंग करिए, पर ब्रीडिंग जब तक मत करिए जब तक आपको उसका अता पता नहीं, क्योंकि आप लोगों की वजह से कई घोड़े बेचारे आप देखना आने वाला टाइम में जैसे गायें रोडों पे घूमती है ना घोड़े भी घूमेंगे लोग कुछ। अब क्या करूं मैं आपको बात बोलूं, किसी एक इंसान के पास अगर 2 घोड़ी रखने की हैसियत है उसने अपने हिसाब से हर कोई सी घोड़ियां लाके बांध दी और कोई 2 घोड़े छोड़ा दिया उनके नीचे 2 बछेरे हो गए, अब वो रखने वाला है नहीं और लेने वाला है नहीं, और फिर जब सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि अब इनको क्या खिलाओ क्या करें, 3-3 साल के हो गए तो घोड़ियां देख के धाम धीम कर क्या करोगे। बिल्कुल। आपके तांगे बंद हो गए बंद हो गया क्या करो कमर्शियल यूज भी क्या करो। मेरा ये सिर्फ मानना है कि देखिए अपन सब इंसान है, एक इंसानियत के खातिर अगर आप ढंग से कुछ नहीं कर सकते तो उसे मत करो। सही है। ताकि जो लोग कर रहे हैं वो और जो लोग जो नए हैं वो दिशाहीन नहीं। सही। दुनिया में वो लोग ही कंप्लेन करते हैं अरे यार उन्होंने हमें गलत घोड़ा दे दिया, गलत उन्होंने नहीं दिया, गलत आपने लिया है क्योंकि समझ आप में है नहीं, आपने सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं की। मैं ड्राइविंग स्कूल नहीं गया और मैंने कार ठोक दी, हाँ तो वो गलती आपकी है। मेरे को सामने वाला सही से नहीं चला रहा था, आप ये दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। दुनिया में आप कुछ भी गलत काम करते हो ना पहले आप खुद से पूछो कि मैं कहाँ गलत था। जब आप गलत हो जाते हो ना तो आप सामने वाले में गलतियां कम ढूंढोगे, जब आप सामने वाले में गलतियां कम ढूंढोगे और खुद में ज्यादा ढूंढोगे ना तो आप खुद को ज्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। अगर मैं हाथ खड़े कर दूंगा मेरी क्या गलती हो, तो घोड़ी ऐसी घोड़ी लाया कौन, आप खुद ही लाए, वो खुद चल के आई क्या आपके पास? नहीं वो घोड़ा ऐसा तो घोड़ा छोड़ने के लिए किसने कहा आपको? सही है। हाँ ये तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सीरियस बात, ये बहुत सच बात है। आजकल जो लोग बोलते हैं अरे आपने घोड़ों की फीस महंगी बहुत कर दी, आप लोग बाहर नहीं छोड़े, अरे क्यों छोड़े, पर आपको कुछ मालूम तो ही नहीं घोड़े के बारे में। बिल्कुल सही। हाँ फिर छोड़ के फिर आप बोल दोगे ये वो दिक्कत आई। मेरे आस पास रुद्राक्ष की 10 बछेरियां हैं। ओके। और मैं जानता हूँ कि ग्रेट गैम्बलर की 20 बछेरियां थी, हैग्रीव की भी है। okay. अब कुछ ऐसी बछेरियां जो मैं जानता हूं कि मैं और समझने वाले उनको कभी हाथ नहीं लगाएंगे। ओके। भले मेरे घोड़े की वजह से क्या होता है? हाँ, कोई फर्क नहीं।
हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब जो नए हैं, जो बिल्कुल नए हैं घोड़ों में, जो अभी अभी आए हैं, वो उनको ले खरीदेंगे। अब कल को वो अच्छी नहीं बनेगी, अरे यार ये तो उनके घोड़े की है। अब तो क्या, वो घोड़ा भी ऐसे ही था ना थोड़ा, तेरे को समझ नहीं, जिसने घोड़ा छोड़ाया उसको समझ नहीं, वो बच्ची बेचारी पैदा हो गई जिसका कोई रोल नहीं, वो पूरी जिंदगी ब्लेम खाएगी, उसको आप आगे और सस्ती में बेचते जाओगे, वो ठोकरे खाएगी इधर उधर, फिर उस पर कल को और कोई उठपटांग घोड़ा छोड़ के उससे अलग बच्चे और अलग बच्चे बिताओगे। बिल्कुल, ये लैक ऑफ नॉलेज की बात है, फिर आपको नॉलेज ही नहीं तो आपको घोड़ों से प्रेम है, आप किसी राइडिंग स्कूल को ज्वाइन करो, बिल्कुल आप किसी स्टड फार्म में जाओ, आप घोड़ा देखो, ऑलवेज हैव द इंफॉर्मेशन। आप ब्रीडर बन, आप मैं आपको बात बताऊं, आज ब्रीडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की? एक ब्रीड है, आप इसकी अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हो, बिल्कुल आप इसको एक एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हो, ब्रीडर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारी उसकी पूरी। सरकारी नौकरियां होती है ना, वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक शहर के कलेक्टर हैं तो आप एक, आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर है तो आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या किसी को बिना एजुकेशन के जिम्मेदारियां दी है क्या कभी किसी ने? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए भाई? जिम्मेदारी तो नहीं, नहीं 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 नहीं, बिना इंफॉर्मेशन की दी जिम्मेदारियां ही इंसान को फेल ले बैठती है। बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल आप 100% सही बताइए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कड्डे में गिरोगे। दुनिया में पता सबसे महंगी चीज क्या है? क्या है बताओ सबसे महंगा दुनिया में? नॉलेज। दुनिया में सबसे महंगी है इंफॉर्मेशन। बिल्कुल 100% सही है। आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो आप सही करके जो गड्ढा खोदा है उसमें गिरोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता पड़ा कि मुझे कोई बीमारी है और इंफॉर्मेशन यह है कि इस नीम के पेड़ से वो ठीक हो जाएगी, और मेरे पास मेरे घर में नीम का पेड़ है और मुझे इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया में ढूंढूंगा जब मरने पे आऊंगा तो पता पड़ेगा इसी से इलाज है। ऑलवेज हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, ऑलवेज हैव द राइट विजन, गुड इंटेंशन, आपकी सोच, और उसके बाद ऊपर वाले की मेहरबानी। ये जो 10 पॉइंट है ना, ये सिर्फ 49% है। बिल्कुल, ये 51% आज भी उसके हाथ में है। बिल्कुल सही है। तो ये 10 पॉइंट से आप 49% क्लियर हो जाओगे और 51% आपके हाथ में नहीं है। तो ये है और ब्रीडिंग का कंक्लूजन। हाँ, जो भी नया ब्रीडर आ रहा है या नया जो भी आज देखो, गलती निकालनी बहुत आसान है। बिल्कुल, लोग कितनी बार कहते हैं अरे वो खेमपुर में ऐसी ब्रीडिंग कर रहे हैं, अरे यार वो केलवा में ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, अरे वो पोसाणा में ऐसे करंसी में ये कर रहे हैं। आप गलती दुनिया में निकालना बहुत आसान, बहुत आसान है, उन जैसा बनना बहुत मुश्किल है। उनके हार्डवर्क को देखो आप, उनके डेडिकेशन को देखो। बिल्कुल, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब आप कुछ भी काम करें तो सबसे पहले खुद में गलतियाँ ढूंढें। बिल्कुल, जब खुद में गलती ढूंढेंगे तो आप खुद को बेटर करना चाहेंगे, जब खुद को बेटर कर लेंगे तो आप दूसरों में गलतियाँ वैसे ही नहीं ढूंढेंगे। बिल्कुल, तो नहीं नहीं वो तो आप खुद में सोचोगे तो ही तो पता चलेगा क्या कर रहे हैं दुनिया में। मैं आपको बोलता हूँ ना, देखो घर पे बैठ के बहुत बोलना आसान है, यार विराट कोहली अच्छा नहीं खेल रहा है, ऐसे खेलना ही नहीं, तो वहाँ खड़े रह के देखो पता चलेगा, वहाँ उस पोजीशन में रह के देखो। सही है, जब आप एक ऐसे बेंचमार्क पे पहुँच जाते हो कि जहाँ पे आप इस चीज़ को पर्सनल ले लेते हो कि हाँ ये हमारा घोड़ा है, ये हमारे देश का एक प्राइड है, हमारे परिवारों का जुड़ाव रहा है उससे, मेरा बचपन बीता है इनमें, तो आप गलत नहीं जाओगे। बिल्कुल गलत नहीं जाएंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास सही अगर इंफॉर्मेशन है, सही मेंटर है आपके पास, तो आप सही राह पे जाएंगे। तो सही मेंटर, सही इंफॉर्मेशन, सही इरादे, सही विजन, विजन होना चाहिए, और ऐसे कुछ और जो अभी अपन ने डिस्कस किया इन बातों से 49% सक्षम है, 51% आज भी आपके हाथ में।